हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल कोडिंग इन पाइथन। तो आज हम सिंपल प्रिंट करेंगे हेलो और सम, बहुत आसान आसान चीज़ हम काम करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो पे कैसे अपना कोड रन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आसानी से एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन में कि किस तरीके से हम हेलो प्रिंट करवा सकते हैं अपने पाइथन से। तो अभी हम ये नहीं यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो, अभी थोड़ी देर तक यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे इससे पहले हम क्या करेंगे कि हम पाइथन का ही एक कोडिंग के लिए, पाइथन के साथ साथ एक आता है आइडल बोलते हैं उसे, क्लिक करिए, यहाँ पे सर्च कर लीजिए, ये देखिए आइडल यहाँ पे है, उसे क्लिक करिए। ये कहाँ से आता है आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये जब आप पाइथन डाउनलोड करते हैं उसके साथ ही मिल जाता है आपको। ये देखिए पाइथन के साथ 3.7 वर्जन है ये। तो चलिए यहाँ पे हम सिंपल सा एक हेलो प्रिंट का कर लेते हैं, जहाँ से कि हमें पता चल जाएगा कि हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। पहला प्रोग्राम बनाते हैं अपना। तो पहला प्रोग्राम बनाने के लिए सिंपल यहाँ पर आइए, न्यू पे जाइए, यहाँ पर अपना कोड लिखिए। तो इसमें क्या होता है कि हमें हेलो प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है, हेलो प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमें हमेशा प्रिंट लिखना होता है कि हमें प्रिंट करवाना है। किसको प्रिंट करवाना है पहले वो जानना चाहिए। अब जिसको प्रिंट करवाना है वो इसके अंदर होना चाहिए, इसके ये जो दो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर ए बी सी डी यूज़ करें, जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ए टू जेड जो होता है उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है तो ए कोड जो होता है ब्रैकेट, जो दोनों कोड है ना, कोड लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। अगर आपको वन टू प्रिंट करवाना है फिर ये नहीं चाहिए, फिर ऐसे लिख लीजिए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ए बी सी डी आपको इसे इंटीजर बोलते हैं, वन टू को इंटीजर बोला जाता है, बाद में आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। अभी हमें स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो ये दोनों कोड के अंदर लिखिए हेलो वर्ल्ड। जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे वो सारा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको कंट्रोल यस दबा के सेव कर लेते हैं। तो सेव कहाँ पे कर लूँ मैं, उसी पे कर लेता हूँ जहाँ अपना वीडियो रखता हूँ। पाइथन मेरा यहाँ पे है, मैं इसके साथ यहाँ पे कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो, देखिए कुछ भी लिखिए मतलब नहीं है, लेकिन पी वाई आपको लिखना ही है। आप उससे पहले जो भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले उससे पहले आपको पी वाई लिखना ही पड़ेगा। सेव कर लीजिए। अब इसको प्रिंट करने के लिए सिंपल ही आसान है, यहाँ पे रन पे आइए, रन पे मोड पे क्लिक करिए, ये देखिए आ गया। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो आप प्रिंट करवा सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर आके यहाँ पर चेक करके देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो कंग्रेचुलेशन, आपने शुरू कर दिया पाइथन का प्रोग्रामिंग करना, बहुत अच्छी बात है। आप इसको यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग हो। जैसे कि आपको अभी यहाँ पे वन टू करना है तो आप ब्रैकेट ना लगाइए, देखिए ये हो गया ना, तो आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। सेव करिए, आइए देखिए, देखिए 1 2 3 4 आ गया। अगर आप ये लगाएंगे तो फिर भी हो जाएगा। चलो मैं आपको इसी तरीके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे ये लगाएंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा स्ट्रिंग बन जाएगा, तो उसका कोई मतलब, इसका मतलब 1 2 3 नहीं रह जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। ये क्या बनेगा आपको मैं समझाऊंगा बाद में, ये देखिए आ गया। तो बहुत आसानी से है, देखिए कितना आसानी से आपको आ रहा है। आप जो यहाँ लिखना चाहें अपना नाम लिख दें, मेरा नाम राजेश, प्रिंट करवा दें, सेव यहाँ पर कर लें, मतलब कर लें, ये देखिए आ गया। तो आपका ये है पहला प्रोग्रामिंग इन उसमें पाइथन में, लेकिन बोल के भी ये सेमीकोलन मत लगाएं तो एरर आ जाएगा आपके। देखिए मैं सब करके दिखाता हूँ, क्योंकि और प्रोग्रामिंग में ये इसके बिना एरर आ जाता है, लेकिन इसमें ये लगाने पे आ जाता है। ये देखिए आने के आ गया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं, नहीं लगाना चाहिए। एरर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा रहा, जब आप विजुअल स्टूडियो में काम करेंगे तो एरर बता देगा। तो आपको बेस्ट क्या है कि आप वो ना लगाएँ। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट है, आप इसके अंदर जो लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में आप, तो आज हमने सीख लिया हेलो प्रिंट कैसे करवाएं। अब इसके बाद में हम जा रहे हैं प्रिंट अपने कोडिंग पे, यहाँ पे बंद करते हैं कोड, जहाँ पे हमें कोड करना है। तो कोड करने के लिए तो वैसे तो तमाम मतलब
एडिटर है जो आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, पाइचर्म है या क्या क्या, जैसे कि आप यहाँ पे पाइचर्म में लिख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं वो भी नहीं, और ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन मैंने आपको रिकमेंड करता हूँ मैं कि आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करें, इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के बाद में पहले आपसे पहले ही बताया था, डाउनलोड कर लेने के बाद में आपको बहुत आसानी से इसको आप काम कर सकते हैं, यहाँ से आप कोडिंग करवा सकते हैं। तो इस पर कोडिंग करने के लिए चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी इस वीडियो में नहीं करते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, हमें बहुत छोटा छोटा बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस पर विजुअल स्टूडियो पर हम कोडिंग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टाटून, गुड बाय।